यह सरकार यहाँ पे बनी है। जम्मू रीजन जो बिल्कुल सुरक्षित था, कड़ी मेहनत फौजियों की, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज की, उनकी कड़ी मेहनत थी, तो जो पीसफुल एरिया था वो भी आज डिस्टर्ब होकर रह गया और लगातार वारदातें यहाँ पे की जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि हम जिनकी शहादत यहाँ पे हुई है, आज भी डोडा एनकाउंटर यहाँ पर चल रहा है, लोगों के प्रति बड़ा गुस्सा है। पाकिस्तान की इस प्रॉक्सी वार को ध्यान में रखते हुए लोग गुस्से हैं और ये मांग करते हैं कि इस वक्त कम से कम जिन लोगों की शहादत यहाँ पर हुई है, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिवार वालों के साथ सहानुभूति प्रकट करते हैं और जो लोग जख्मी है दुआ करते हैं कि फौरी तौर पे यहाँ पे ठीक हो। लेकिन हम महसूस करते हैं कि एक महीने में तीसरी बार ये सरकार बनने के बाद भाजपा ने उच्च स्तर की मीटिंगें भी यहाँ पे की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद इसका संज्ञान लिया, डिफेंस मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, उन्होंने पूरी सिक्योरिटी के बारे में रिव्यू किया। लेकिन ग्राउंड की पोजिशन क्या है, हम ये सवाल पूछना चाहते हैं सरकार को कि जो दावे करती थी कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है, 370 तोड़ने के बाद आतंकवाद की कमर तोड़ दी है, इसलिए 370 हटाया कि आतंकवाद को ख़त्म, उसका खात्मा किया जा सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि आए दिन फौजियों की शहादत, बगैर किसी जंग के इन फौजियों की शहादत जो यहाँ पर हो रही है, लोगों में बड़ा गुस्सा है इस चीज़ में और मांग करता है कि पाकिस्तान को दो टुक में, अच्छा कड़े शब्दों में जवाब नहीं, एक एक्शन प्लान सरकार यहाँ पे तैयार करके रखे। और मैं समझता हूँ कि ऐसी वारदातें ना हो पाए, सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की ज़रूरत है। तो जो ओवरऑल रिव्यू यहाँ पे करते हैं उसमें और ग्राउंड रियलिटी में क्या फ़र्क है, हम समझते हैं कि जम्मू रीजन आज डिस्टर्ब होकर रह गया, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की गतिविधियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं और सरकार के दावे खोखले साबित हुए हैं।